एमपी विधानसभा में पक्ष और विपक्ष का वार पलटवार जारी है। ऐसे में बजट सत्र के पांचवें दिन विधानसभा में बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे ने संविधान के अनुच्छेद 30 को खत्म करने के लिए अशासकीय संकल्प पेश किया। आपको बता दें कि मदरसों जैसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार समाप्त करने से जुड़ा हुआ है। देखिए, हमारी दूरी किसी से नहीं है, हम सबके राष्ट्रवादिता को प्रणाम करते हैं, पर कोई देशद्रोहिता का काम करेगा तो उससे हमारी दुश्मनी पक्की है। आपको लगता है मदरसों में देशद्रोह का काम चल रहा है? निश्चित रूप से। आप आसाम देखिए, जम्मू कश्मीर देखिए, सारी दूर क्या हो रहा था, कौन सा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे बच्चे वहाँ पर। ये है मजहबी आधार पर कोई भी शिक्षा भारत में होना थोड़ा खतरनाक होता जा रहा है। भारत की राष्ट्रीय जो शिक्षा का करण है, राष्ट्रीय शिक्षा करण के तहत सबको शिक्षा मिले और सबको रोजगार मिले, ये भारत सरकार का भी सोच है और ये मध्य प्रदेश सरकार का भी सोच है। अकेली शिक्षा चलाकर नया तालीम से जो है नया ताइवान खड़ा करने की कोशिश मत करो। पांडे का कहना है कि जो बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं उन्हें 10वीं 12वीं में ओपन स्कूल से परीक्षा देनी पड़ती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हम समान शिक्षा की बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि अल्पसंख्यक बच्चे भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ पढ़ाई करें, उनका भविष्य उज्ज्वल बने, इस दिशा में मेरा एक कदम है। वहीं इस पर कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने कहा कि नर्सिंग घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए सत्ता पक्ष के विधायक मदरसों का मुद्दा उठा रहे हैं। नर्सिंग घोटाले को दबाने के लिए स्पष्ट है कि नर्सिंग घोटाले को दबाने के लिए ये सब मापदंड अपना रही है सरकार, और मुझे लगता है कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए इस चीज़ के लिए कि मदरसे के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं, और ऐसे विधायकों को कहीं ना कहीं दूसरे मेंटली डॉक्टरों को दिखाने की जरूरत है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश विधानसभा में भले ही मदरसों का मुद्दा सियासी हो, लेकिन ये भी मान लें कि नर्सिंग घोटाले से ध्यान भटकाने की कोशिश हो, लेकिन ये भी जरूरी है कि अल्पसंख्यकों को भी आधुनिक शिक्षा दी जाए। ऐसे में मदरसों को बंद करने की बजाय जरूरत है उन्हें आधुनिक बनाने की, ताकि दीन के साथ दुनियावी तालीम भी बच्चे हासिल कर सकें।